जाके रसोई संभाल। समझी जी ना सही, कम से कम थानेदार जी को ही फोन कर लो, शायद अब तक कुछ पता चल गया हो। सुगना की माँ थानेदार को सब पता तो है ना, अगर कोई खबर मिलेगी तो वो लोग खुद फोन करेंगे। अरे उन्हें तो हजार काम पड़े, शायद दिमाग से निकल जाए। आप ही फोन कर लो, थोड़ी तो दिल को तसल्ली मिले। मैं कि मारी छोरी उस घर में दासी बन जाएगी, फिर भी जिद करके भेजा मैंने। अरे पालतू जानवर से भी लोगों को प्यार हो जाता है, लेकिन वो माजी सा मारी इतनी सी छोरी की दया नहीं आई उन्हें। कोठरी में भूखा प्यासे मारी छोरी को खड़ कर दिया। अरे उस बुढ़िया को देख करके हमारे मन में पहले ही शंका आ गई थी, औरत है पर औरत जैसा मन ना है उसका, बात बात पर ऐसे घुरे जैसे कच्चा चबा जाएगी। अरे हम तो मेहमान बन के गए थे उसके घर, चार बातें सुना के मारे को विदा किया। अरे बुढ़िया को तो छोड़ो, घर के सारे लोग झूठे हैं। जब जानते हो मैंने पूछा कि आनंदी बीमार कहीं हो गई तो मारे से क्या बोले, कहने लगे आनंदी दिन भर धूप में खेलती रहती है तो बाहर इसीलिए मासा मना करती है बाहर खेलने से। शर्म ना ही झूठ बोलते ने, वो भी भींदड़ी के मैके वालों के सामने। सोचा अपने कुछ करो ना। क्या करूं भागू, क्या करूं? बीमारी है, मारे को मारी छोरी को उस घर में भेजना ही नहीं चाहिए था। मारी छोरी अपनी सासू माँ की प्रशंसा करते नहीं थकती, लेकिन उन्होंने भी अपना फर्ज नहीं निभाया। अरे उनकी अपनी भी तो बेटी है, फिर मारी छोरी के साथ ऐसे कहीं होने दिया? अपनी सासू माँ से नहीं कह सकती थी कि बच्ची है माफ कर दो, भूल हो गई इनसे? अरे पर कहीं इसके साथ ऐसे होने दिया? बोल नहीं सकती थी कुछ? भाभी साहब बस करो। माँ अब मैं अपने सासरे को भी ले जाऊंगी, नहीं तो दादी साहब मुझे फिर से कोठरी में बंद कर देगी। हाँ बेटा, हाँ बेटा, बापू किस तरह आ गई है? कुछ नहीं हो, बापू कुछ नहीं होने देंगे अपनी बेटी। कुछ नहीं होने देंगे, थानेदार को फोन घुमा रहा है? अरे रख दे नीचे, कोई जरूरत ना है। थाने में रपट करनी पड़ी, नाक तो पहले ही कट गई, अब थानेदार को बार बार फोन करके क्यों अपनी मिट्टी पलीत कर रहा है? थारी बींदनी ने तो पहले खानदान के नाम पे चार चांद लगा दिए, अब तू तो पूरा आसमान उतार के नीचे लाएगा। मौसा आप आनंदी को दोष क्यों दे रहे? आज ये जो हमारी दशा है इसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं और कोई नहीं। सच्ची बात तो जय भैरो, तूने अथारी घरवाली ने उस छोरी को बिगाड़ा है। जितनी बार गलती करती गई तुम लोग बचपना है बचपना है बच्ची है कहकर टालते गए। मैं कहती रही संभालो छोरी को, सर पे मत चढ़ने दो, पर ना मारी कौन सुने, माँ तो दुश्मन है ना थारी। कबूल बोया है ना, कांटे तो चुभेंगे ही। कांड कर दिया छोरी ने, घर से भाग गई। अरे सड़क पे 10 लोग जब बात करेंगे ना, कह रही हूँ राह चलना मुश्किल हो जाएगा। मासा आनंदी ये घर छोड़कर कभी ना जाती अगर हम उसे इतनी सी बात के लिए इतनी बड़ी सजा ना देते। बात इतनी सी ना थी भैरो, तू भी जाने है। ले जाओ उसे भी साथ। जगदीश भी जाएगा। खड़ा क्या है? जा बुला ला अपनी लुगाई को।
जाना। बापू का नाक कटवा के ही रहेगी ना तू। अरे क्यों हमारी बहू को डांट रही हैं आप? अरे समधर जी, ये हमारे साथ आई है। समधर जी आइए ना, पधारिए। अरे सुनो आनंदी के बापू। अरे समधर जी, जय माता जी की। जय माता जी की। लाडो खुश रहो, खुश रहो बेटा। अरे संधि जी, आप लोग अचानक, आप आइए पधारी, आइए। लाडू हमारे को काम करने दे। ये सब छोड़ के मेरे साथ बातें करने बैठो ना। लाडू तेरे सासरे वाले आए हैं ना, रुक जा। अरे समधन जी, ये सब आप क्या करने लगी? वो छाछ बना रही हूँ, आप बैठो ना। मेरी माँ बहुत अच्छी छाछ बनाती है, पीते ही सारी थकान दूर हो जाएगी। आइए बेटा जी, आप अचानक यहाँ सूचना भिजवा दी होती तो। नहीं, वो वसंत भाई साहब के ब्याह का निमंत्रण देने के लिए आए थे हम। अरे वाह, ये तो बहुत ही शुभ समाचार सुनाया आपने। लड़के कहाँ की है? ये भरीजा के पास मांद है ना, वहीं की है। आनंदी बेटा, कहाँ जा रहे हो आप लोग? जगदीशा को वो जगह दिखाना है जहाँ हम आइस पाइस खेलते हैं। अच्छा ठीक है, जाओ। और सुनाइए जैसर में सब ठीक ठाक? यहाँ है ना, ये एक हाथ लंबे दांतों वाली और आधे आधे बित्ते भर लंबी नाखूनों वाली चुड़ैल रहती है। यहाँ तो कोई अकेले आता ही नहीं। ना है, मैं किसी से डरता नहीं हूँ। अगर तू आधी रात मुझे जंगल की तरफ भेजेगी ना तो चुड़ैल की चोटी काट लूं। अब जुबान क्यों बंद हो गई तेरी? आनंदी,